लोपाधाना गढ़ा किसान अन्नदाताओं का आंदोलन। फसल में पानी की मांग को लेकर हड़ताल का दूसरा दिन जारी। पर्याप्त पानी नहीं मिला तो करेंगे उग्र आंदोलन की चेतावनी। मामला जिला सिवनी की केवलारी तहसील के ग्राम लोपा का, जहां किसानों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। नहर में पानी की मांग करते हुए नहर चालू कर विभाग मात्र दिखावा कर रहा है। बीते 7 दिनों में नहर में पानी घरेलू नाली के समान आ रहा है, जिसके कारण ना तो खेतों की सिंचाई हो पा रही है। विभागीय उदासीनता कार्य प्रणाली के चलते खेतों में लगी फसल को नुकसान हो रहा है, फसल सूख रही है। कुछ दिन पहले विधायक राकेश पाल द्वारा यह बताया था कि नहर लबालब भर कर जा रही है, पानी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। किसान अन्नदाताओं द्वारा कहा गया कि अनुरूप पानी सप्लाई कराए जाने के संदर्भ में 24/2/2023 को विभागीय अधिकारी केवलारी अन्य अधिकारीगण को माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। यदि 2 दिन के अंदर मांग के अनुरूप नहर संचालित नहीं की गई, तो किसान अन्नदाता द्वारा उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन आज हम आए हैं लोपा पर, जहां पर कुछ किसान बंधुओं ने यहां पर आंदोलन स्टार्ट किया है। आज से आज 24/2/2023 को यहां पर आंदोलन स्टार्ट किया गया। हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? संजय कुमार ठाकुर। क्या समस्या है सर आपकी? समस्या इस बात की है कि जो लोपा ग्रामवासी किसान हैं, लोपा धानागाड़ा के जी, हमारी जो रूढ़सिन्नी संस्था अंतर्गत जो धानागाड़ा माइनर चैन कुमार 468 आती है, वह 28/1/2023 से बंद है। इस बीच में निरंतर हम अधिकारियों से संपर्क में रहे। 11/2/2023 को ई साहब, एसडीओ साहब, सब इंजीनियर साहब, यहाँ की लोपा धानागाड़ा के कम से कम 25-30-40 किसान के सामने ई साहब, एसडीओ साहब और सब इंजीनियर साहब सभी अधिकारियों ने मिलकर हमके एक पंचनामा बना कर दिए कि अभी हम 16 तारीख को आपको फुल गेज, जो नहर की जो क्षमता है फुल गेज, आपको हम पूरा पानी देंगे। यदि ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता तो हम क्रॉस गेट गिरा के और हम जो माइनर की क्षमता है उतना हम आपको पानी देंगे। लेकिन शुरू से 28/1/2023 से जो किसान वंचित हैं, आज दिनांक तक जो टेल माइनर के जो किसान हैं लोपा धानागाड़ा के, आज भी उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है, अधिकारियों पहुंच पाया है। अधिकारियों से निरंतर हमारा संपर्क बना है, लेकिन सिर्फ लालीपाप देते हैं, आश्वासन देते हैं। और आज की डेट में जो है मेन केनाल, जो है मेन केनाल में जब पानी है ही नहीं, तो हमारे खेतों में कहाँ से पहुँच पाएगी। दिनों पहले जो है विधायक मोदी जी ने हमारे समक्ष जो है विधायक मोदी जी ने ये बोला था कि नहर लबालब चल रही है, पानी कोई कमी नहीं है। विधायक जी ने बोले थे कि 24 घंटे के अंदर पानी आपको पहुंच जाएगा। अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूं, विधायक जी ने अधिकारियों से बात किए नहीं किए जे हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको विधायक जी का आश्वासन झूठा निकला। पानी आज भी लोपा टेल के जो किसान परेशान है लोपा धानागाड़ा के, आज भी पानी नहीं पहुँच पाया है। हमारा जो आंदोलन जो है शांतिपूर्व 2 दिन का है, 24-25 का, इसके बाद यदि मान लो हमको संतोषजनक पानी नहीं मिल पाता, किनाल में पानी नहीं आ पाता, हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है, तो इसके बाद हम जो है विवश होकर उग्र आंदोलन करेंगे। यदि शासन यदि जागता नहीं है, यदि शासन की यदि मनसा ही है कि किसान भड़के या कुछ बात करे, तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अच्छा। कल 1 बजे से हम यहाँ पर बैठे हैं, 24 तारीख के, अभी तक हमारे पास ना कोई प्रशासन आया है, ना कोई ऐसा पदाधिकारी आया है।
कोई भी शासन हो, प्रशासन हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी ने भी हमारी अभी कोई शोध लिया नहीं है। कल